Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and the CN Making. This is module number 102, and we are going to talk about the setup to fail syndrome idea in practice. How many setup to fail syndrome idea in brief that the manager or the leader was having interaction with in-group and the out-group people who are having the low performer performance or the high performance? अब आइडियन प्रैक्टिस में हम इन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे कि किस तरीके से सेटअप टू फेल सिंड्रोम वो एक्टिवेट होता है और हमें किस तरीके से उससे बचना है उस हवाले से एक मैनेजर सबसे पहले लोगों को कैटेगराइज कर लेता है इन एंड आउट ग्रुप में इन ग्रुप आर द फेवरेट्स एंड द आउट ग्रुप आर द पीपल जिनके ऊपर उसकी तवज्जो रिलेटिवली कम है नतीजा क्या होगा कि द मैनेजर इज गोइंग टू बिल्ड अप सर्टेन परसेप्शन अबाउट द पीपल उन परसेप्शन के मुताबिक द मैनेजर वुड बी हैविंग अ डीलिंग विद देम। और उस डीलिंग में वो कोशिश करेगा कि वो उन लोगों को एक ऐसा तासुर दे कि जिस से उनकी परफॉर्मेंस वो बेहतर की जा सकती है लेकिन एट द सेम टाइम बाजुकात इंप्लॉज के साथ एक मैनेजर की अर्ली परसेप्शन वो बिल्डअप करती है उस अर्ली परसेप्शन के मुताबिक मैनेजर अपने जहन में सर्टन इंप्रेशन वो कायम कर लेता है अबाउट द पीपल एंड पीपल आर गोइंग टू डिवेलप सर्टन इंप्रेशन अबाउट द बॉस और द मैनेजर फिर उस परसेप्शन के मुताबिक कुछ गलती अगर इंप्लॉय से हो जाए तो उस गलती को बेस बनाकर द मैनेजर इज गोइंग टू ऑलवेज पिन पॉइंट और नतीजा तन दबॉर्डिनेट्स आर गोइंग टू फील इनकम्पेटेबिलिटी विदर्टिकुलर बॉस सेकेंड स्टेप के ऊपर हम इस चीज को विजुअलाइज करते हैं कि द मैनेजर दोटिस कुछ लोग एविडेंस बेस्ड अगर हम सपोर्ट की बात करें कि कुछ लोग आर नॉट पेइंग मच अटेंशन और उस अटेंशन ना होने की वजह से दे आर अगेन टेकन अप एज द लो परफॉर्मर्स और उन लो परफॉर्मर्स को चूंकि वो आउट ग्रुप में रखता है देर फोर उसकी तवज्जो उन पर कायम नहीं रहती जब उसकी तवज्जो उन पर कायम नहीं रहती तो वो लोग लेफ्ट अलॉन फील करेंगे और जब वो लेफ्ट अलॉन फील करेंगे तो नतीजा तन दो पीपल वुड नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एक्सटेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डिमांड वो हो सकती है देयर फोर आउट ग्रुप लोगों के साथ उसका ताल्लुक वो एक डिस्टेंट हो जाता है और इन ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उनको फीडबैक प्रॉपर प्रोवाइड करता है उनको अपॉर्चुनिटी टू ग्रो प्रोवाइड करता है और वो उनको ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड वो हो सकता है नाउ हाउ टू सेटअप दटअप टू फेल सिंड्रोम आप उस सेटअप टू फेल सिंड्रोम को अब हम विजुअलाइज करेंगे कि दिस याद रखिएगा कि द इम्प्लॉज स्टॉप वॉलंटियरिंग आइडियाज बिकॉज दे आर टेकन अप एज आउट ग्रुप तो वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी वहां पर उस तरीके से नहीं दे पाते जब वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, दे तो तो नहीं, दे नहीं देते तो ऑर्गेनाइजेशन सफर्स अलॉट

होने की वजह गोइंग टू सी जब हम सेटअप टू तो फेल इन की बात करते हैं तो हाउ इट इज ऑल स्टार्टिंग इट इज स्टार्टिंग विद नंबर वन इंप्लॉई के साथ बॉस सर्टन एक्सपेक्टेशन वो वस्ता करता है

अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि द मैनेजर इज एम्प्लॉइज चैलेंज देयर ओपिनियंस एंड एक मैनेजर ने वहां पर ले रखी हैं और वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को सही तौर पर वहाँ पर मेटीरियलाइज वो कर सकें इन कामों पर अमल करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं सेटअप टू फेल सिंड्रोम को आप सेटअप टू फेल सिंड्रोम के हवाले से याद रखिएगा समटाइम्स इफ द सिंड्रोम हैज ऑलरेडी एडप्टेड वहां पर ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है लोगों के जहन में कि दे आर फेल्ट एज अनवांटेड एंड दे आर टेकन अप एज आउट ग्रुप तो वहां पर अब क्या करना पड़ेगा हमें उन डायनामिक्स को समझना है जो एक एम्प्लॉय के जहन में चल रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे पहले उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उनके थिंकिंग प्रोसेसिस को कि दे शुड नॉट बी थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजर और द इंटरेक्शन एंड द रिलेशनशिप Secondly, we have to agree कि employees की certain weaknesses हैं और उन weaknesses को हम कैसे overcome करें बिल्कुल इसी तरह हमें यह भी देखना होगा कि उसकी certain strengths हैं जिनको हमने materialize करना है Likewise, हमें उनके साथ discuss करना पड़ेगा कि कहाँ पर किस training की उनको वो जरूरत है और उस training को हम कैसे बेहतर तौर achieve कर सकते हैं इसी तरह हमें उस training के मुताबिक Employee को प्रोवाइड करने हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को बेहतर कर में हम बहुत से बैरियर्स को ओवरकम कर सकेंगे students, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि सेटअप टू फेल सिंड्रोम इज बेसिकली अनकॉन्शियस फिनोमिना और अनकॉन्शियस फिनोमिना में मैनेजर बात गलती कर बैठता है इंटरेक्शन के दौरान अपने एम्प्लॉयज के साथ क्योंकि वो उनको जब कैटेगराइज कर लेगा इन एंड आउट ग्रुप में तो वो बैलेंस नहीं रख पाएगा देयरफॉर हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है और कोशिश करनी है कि एम्प्लॉयज के साथ वो ताल्लुक कायम करें जिससे कि दे शुड फील इंकरेज एंथिक एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर थैंक यू